सोबिसिस स्पोर्ट टैबलेट जो कि बनाई जाती है ला रीजन्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट 1000 mg रहता है और 70 रुपये का ये पूरा टैबलेट रहता है जिसमें 10 टैबलेट रहती है। ये टैबलेट जो कि यूज़ होती है बहुत सारे केसेस में यूज होती है, जैसे कि ये टैबलेट यूज़ होती है इंडिकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट करती है मेटाबॉलिज्म एसिडिटीज का ट्रीटमेंट करती है, डायरिया का ट्रीटमेंट करती है, एसिडिटी का करती है और पॉइजनिंग का ये ट्रीटमेंट करती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सोबिसिस स्पोर्ट टैबलेट जो कि बनाई जाती है ला रीजेंट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट 1000 mg रहता है, 70 रुपये का यह पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 10 गोली रहती है। ये टैबलेट जो कि ट्रीटमेंट करती है एसिडिटी का ट्रीटमेंट करती है और रिलीफ देती है एसिड इंटीग्रेशन से, हृदय दस्त से और कैंसर का ये रिलीफ करती है। ये टैबलेट जो कि ट्रीटमेंट करती है एल्कलाइन एजेंट है इसके अंदर, जो कि सोडियम कार्बोनेट एक एल्कलाइन एजेंट है जो कि क्या करती है ट्रीटमेंट करती है और मेटाबॉलिक करती है एसिडिटी का, सीवियर डायरिया का ट्रीटमेंट करती है, एसिडिटी का ट्रीटमेंट करती है और पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करती है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो तो साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि पेट में क्रैम्प हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकते हैं। तो जब भी इस टैबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइप और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो क्या कर देती है कि एक एल्कलाइजेशन है जो कि क्या करती है कि पीएच को बढ़ा देती है ब्लड और यूरिन के अंदर, जिससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हो जाता है एसिड का, जिससे क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर रहता है वो पास हो जाता है यूरिन के थ्रू और आपको पॉइजनिंग वगैरह नहीं होती है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।